फील्ड का डायरेक्शन शो करेगा, समझ रहे हैं? आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे थंब है, ये चारों उंगली इस तरफ से कर्ल किया है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इस तरफ का सर्कल में घूमेगा, समझ रहे हैं बात का गहराई? आप यही चीज को यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे ये डाउनवर्ड है, ठीक है? अगर आप इसको राइट हैंड का थंबनेल से पकड़ेंगे तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इधर से होगा, समझ रहे? इधर से होगा मतलब कुछ इस तरफ से मूव करेगा, ये इस तरफ से मूव करेगा मतलब यही डायरेक्शन हमें मिल रहा है फिर से, समझे इतना? तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे ये देखिए, इमेजिन डेट यू आर होल्डिंग अ करेंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच डेट द थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करेंट। इमेजिन कीजिए कि आप किसी कंडक्टर को अपने राइट हैंड में पकड़े हुए हैं और इस तरीके से कि थंब जो है वो पॉइंट कर रहा है करंट के डायरेक्शन में, तो देन योर फिंगर विल रैप अराउंड द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन फिगर। ये इसी को बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो आपका जो फिंगर है वो जिस डायरेक्शन में उस कंडक्टर को रैप कर रहा है, पकड़ रहा है, उसी डायरेक्शन, वही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो एग्जाम में आएगा तो आपको ऐसे ये टू तरक वाला भाषा यूज नहीं करना है, आप थोड़ा अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। देखिए इस तरीके से कि इफ वी होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन द फिंगर्स इन सर्कल द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ये हो जाएगा राइट हैंड थंब रूल का डेफिनेशन, ठीक है? तो ये लिखना है आपको, समझ में आ गया? चलिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अ करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो एक हॉरिजॉन्टल पावर लाइन है, सबसे पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। तो करंट जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो कर रहा है। चलिए बहुत अच्छा बात है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट एंड एट अ पॉइंट डायरेक्टली अबव इट। तो इस कंडक्टर के ठीक नीचे वाले पॉइंट पे, मान लीजिए ये कंडक्टर है, इसके ठीक नीचे वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा और इसके ठीक ऊपर वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा वो हमें बताना है। तो हम यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे जिससे कि हमें डायरेक्शन पता हो जाएगा। तो ये हमने राइट हैंड इसको ऐसा पकड़ लिया और थंब शो कर रहा है करंट का डायरेक्शन। तो नीचे की तरफ आप देखेंगे, नीचे की तरफ जो उंगली का डायरेक्शन है वो ऐसे मूव कर रहा है, समझ रहे? मतलब यहाँ पे नॉर्थ साउथ, नॉर्थ टू साउथ डाउनवर्ड की तरफ डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, नॉर्थ टू साउथ। और ऊपर में देख रहे हैं आप ऐसे करके, ये ऊपर से घूमेगा, ऊपर में डायरेक्शन क्या हो जाएगा साउथ से नॉर्थ, समझ रहे ना? इधर पे साउथ है, इधर पे नॉर्थ है, तो साउथ से नॉर्थ ऊपर की तरफ और नीचे में नॉर्थ से साउथ, ये आंसर हो जाएगा इसका। देखते हैं इन्होंने क्या लिखा हुआ है बुक में। इन्होंने लिखा है द करेंट इज इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है? तो क्वेश्चन में दिया हुआ है अप्लाइंग द राइट हैंड थंब रूल वी गेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट बिलो और अबव द वायर टर्न्स क्लॉक वाइज इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर व्हेन व्यूड फ्रॉम द ईस्ट एंड एंड एंटी क्लॉक वाइज व्हेन व्यूड फ्रॉम द वेस्ट एंड। तो इन्होंने क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज के रूप में आंसर दिया है। सबसे पहले तो आप समझिए कि क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज होता क्या है। तो देखिए ये कोई एक घड़ी है मान लीजिए, तो घड़ी की ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, तो घड़ी ऐसे मूव करता है ना, तो इस तरीके का मूवमेंट को बोलते हैं क्लॉक वाइज मूवमेंट। और इसका अपोजिट अगर कोई मूव कर रहा है तो इसको बोलेंगे एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट, ठीक है? तो ये मान लीजिए ये कंडक्टर था, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट करंट फ्लो कर रहा था। अगर आप इसको यहाँ से देखेंगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा था, ऐसा था ना? तो यहाँ से देखेंगे तो आपको कैसा लगेगा, ये क्लॉक वाइज फ्लो कर रहा है, ठीक है, ईस्ट एंड से देखेंगे तो, और वेस्ट एंड से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एंटी क्लॉक वाइज फ्लो कर रहा है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप ईस्ट एंड से देखेंगे तो क्लॉक वाइज दिखेगा और एंटी क्लॉक वाइज दिखेगा जब आप वेस्ट एंड से देखेंगे तो, ठीक है? तो आप ये भी आंसर दे सकते हैं और चाहे तो आप ये भी आंसर दे सकते हैं कि बिलो में कौन सा डायरेक्शन होगा नॉर्थ से साउथ और अबव में क्या होगा साउथ से नॉर्थ, ठीक है? चलिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। अब ड्रॉ कर लेंगे, आपको ये वाला फिगर अच्छे से ड्रॉ करना है, ठीक है? ये वाला फिगर ध्यान रखिएगा, अगर आप इधर पे नॉर्थ और इधर पे साउथ देते हैं तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, हाँ ये एरो उस तरफ से हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि कभी भी दो फील्ड लाइंस को कहीं भी टच या फिर क्रॉस मत करवाइएगा, थोड़ा साफ डायग्राम बनाइएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो पांच प्रॉपर्टी हमने देखा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं Why don't two magnetic lines of force intersect each other? तो कभी भी दो magnetic lines है वो कभी भी intersect क्यों नहीं करते हैं? तो इसका reason तो simple है कि अगर वो intersect करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि compass needle दो direction में point कर रहा है जो कि possible नहीं है, ये लिखना होगा आपको, ठीक है? चलिए अब आते हैं दूसरे टाइप के कंडक्टर पे जो कि है इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप। तो ये कोई सर्कुलर लूप का कोई कंडक्टर है, देखते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस होता है।
तो देखिए, मान लीजिए ये कोई है सर्कुलर लूप, ठीक है, और इस सर्कुलर लूप में हमने करंट गुजार दिया। करंट जब इसे पास किया गया, तो देखिए अगर आप इस छोटे से पॉइंट को इमेजिन कीजिए, तो ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रेट कंडक्टर की तरह काम कर रहा है। ये भी हल्का सा यहाँ पे स्ट्रेट कंडक्टर से बीतते हैं, अगर देखें तो स्ट्रेट दिखेगा आपको, ये भी हल्का सा स्ट्रेट दिखेगा छोटा छोटा पार्ट। तो हर एक पॉइंट में आपको क्या देखने को मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कंसेंट्रिक सर्कल से देखने को मिलेगा, ठीक है, पहले वाले केस की तरह। कंसेंट्रिक सर्कल्स, बहुत सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, हर एक पॉइंट पे बहुत सारा कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेगा। तो उसी टाइप का डायग्राम कुछ यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे कि अब देखिए इधर पे कंसेंट्रिक सर्कल्स और कंसेंट्रिक सर्कल्स और कंसेंट्रिक सर्कल्स और बहुत सारा बनते बनते बीच में बहुत सारे सर्कल्स यहाँ पे पास करेंगे, बहुत सारे लाइंस पास करेंगे। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ना, तो कंसेंट्रिक सर्कल्स का साइज भी बढ़ता चला जाएगा, और लगभग जब